एक साल के अंदर मेट्रो बनाने की योजना लगता है कई लोगों की जान लेगी। इसी क्रम में आज बिजली के खंभे पर लाइनमैन काम कर रहे थे। उस समय बिजली बंद थी, लेकिन जैसे ही कर्मचारी खंभे के ऊपर चढ़े, बिजली विभाग ने लाइट चालू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों कर्मचारियों को झटका लगा और दोनों कर्मचारी झुलस कर खंभे से लटक गए। नीचे काम कर रहे कर्मचारियों ने यह देखा तो आनन फानन में उन दोनों कर्मचारियों को नीचे उतारा और दोनों कर्मचारियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सवाल इस बात का है कि इस घटना के पीछे किसकी लापरवाही है कि 11,000 का वोल्ट का करंट सहने पर वह कर्मचारी बच पाते हैं या नहीं। मौजूद है कानपुर के बेनाजावर चौराहे पे। यहाँ पे कानपुर के मेट्रो का कार्य जारी है, काफी महीनों से यहाँ पे काम हो रहा है। आज मेट्रो को लेकर कोई लाइनमैन, दो लाइनमैन ऊपर चढ़े थे, ऊपर चढ़ने पे लाइन बंद थी, अचानक लाइन चालू होने से दो लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे मौत नहीं हुई है, उनकी हालत नाजुक रही जा रही है। वो दोनों लोग सामने, एक चांदनी नर्सिंग होम है वहाँ एडमिट है, एक वेदांता हॉस्पिटल वहाँ एडमिट है। तो हमने वहाँ के डॉक्टरों से बात की तो पता चला कि उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, ICU में एडमिट किए गए हैं वो। अब देखना ये है कि इन पर क्या कार्रवाई होती है।